Hello friends, so today we are going to start with your chapter number 5, that is admission of partner. See, chapter number 5, admission of partner. I would say the very 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 important chapter जो हम आज शुरू करने वाले हैं, दैट इज योर चैप्टर नंबर 5, एडमिशन ऑफ पार्टनर. ये चैप्टर में से आपको 8 मार्क्स, आई एम रिपीटिंग अगेन, 8 मार्क्स का एक बड़ा सा क्वेश्चन वो लोग पूछने वाले हैं. 8 मार्कर क्वेश्चन विल बी देयर, राइट. अब ये जो 8 मार्क का क्वेश्चन है वो डेफिनेटली 8 मार्क्स का है तो बड़ा रहेगा. लॉन्ग सम्स विल बी देयर इन योर टेक्स्ट बुक, देयर आर शॉर्ट सम्स गिवन. बट इन टूडेज क्लास वॉट एम आई गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द स्टेप्स टू सॉल्व द लॉन्ग सम्स. वी आर फोकसिंग ऑन द लॉन्ग सम्स फर्स्ट एंड देन वील सी द शॉर्ट सम्स. सो टूडे वॉट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द स्टेप्स ऑफ लॉन्ग सम. अब मैं सबसे पहले तो इस चैप्टर का नेम सजेस्ट एडमिशन ऑफ पार्टनर. वेन द पार्टनर इज एडमिटिंग इन एन फर्म, अ न्यू पार्टनर इज कमिंग इन अ फर्म, राइट. तो क्या क्या हो सकता है ये हमें पूछा है, करेक्ट. नाउ वी हैव स्टडीड इन आर चैप्टर नंबर 4, दैट इज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप. और उसमें मैंने आपको 3 चीज़ें सिखाई थी, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, राइट. सो वी आर नाउ फोकसिंग ऑन द सेकेंड थिंग, दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. जब पार्टनर एडमिट हो रहा है फर्म में, इन दैट केस देर विल बी मैनी 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 चेंजेस. देर विल बी रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, देर विल बी चेंजेस इन द अमाउंट ऑफ गुडविल. बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो हमें चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि एक नया पार्टनर ऑल टुगेदर एंटर हो रहा है, एक नया ही बंदा एंटर हो रहा है, करेक्ट. नाउ कमिंग बैक टू द लॉन्ग सम्स के वो लोग आपको पूछेंगे क्या क्या दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, मैं उसकी बात करूँ तो यू विल बी गिव, जस्ट अ मिनट, you will be given with what, वो लोग आपको क्या दे के रखेंगे. फर्स्ट दे विल बी गिविंग यू द बैलेंस शीट. वो आपको बैलेंस शीट क्वेश्चन में दे के रखेंगे. ऑब्वियसली ये जो बैलेंस शीट होगी ना वो बिफोर एडमिशन वाली होगी, नया पार्टनर एंटर हो उससे पहले वाली, बिफोर एडमिशन वाली बैलेंस शीट वो लोग आपको दे के रखेंगे. Now what you are supposed to do is, उससे पहले भी हाँ, given में balance sheet तो देके ही रखेंगे, उसके साथ साथ additional information भी देके रखेंगे. Additional information में क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें कि भाई एक्स वाई जेड, वट एवर पार्टनर इज देयर हु इज नाउ बिकमिंग अ न्यू पार्टनर इन आर फॉर्म, और हमें वो बंदा एंटर हो रहा है उसके लिए फॉर्म में क्या क्या चेंजेस करने हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या क्या चेंजेस आएंगे, ऑल दोज थिंग्स वी आर सपोज टू लुक एट, राइट. तो वो सब आपको कहाँ पे दे के रखेंगे वो लोग, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, राइट. नाउ वॉट यू आर सपोज टू डू, आपको क्या पूछेंगे, क्या करना है आपको. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर वॉट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग टू प्रिपेयर इज रिवैल्यूएशन अकाउंट. रिवैल्यूएशन अकाउंट, सी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इन आर चैप्टर नंबर 4, राइट. वेन एवर वी आर रिवैल्यूइंग द असेट्स एंड लायबिलिटीज, वेन एवर वी आर गेनिंग वी विल क्रेडिट द रिवैल्यूएशन अकाउंट, वेन एवर वी आर लूजिंग विल डेबिट द रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट. तो वो हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 4 के कॉन्सेप्ट में देखा है कि भाई लॉस हो रहा है तो डेबिट पे लिखते हैं, गेन हो रहा है तो क्रेडिट पे लिखते हैं, एंड सो ऑन, राइट. तो वैसे ही नया पार्टनर एंटर हो रहा है, असेट्स लायबिलिटीज को कुछ रिवैल्यू कर रहा है, तो वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड ऑल दोज थिंग्स इन आर रिवैल्यूएशन अकाउंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर, यू आर सपोज टू प्रिपेयर वॉट, रिवैल्यूएशन अकाउंट. देन वॉट यू आर सपोज टू प्रिपेयर इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, if asked then current accounts also.
पार्टनर के जो कैपिटल अकाउंट्स है वो बनाने हैं, तभी पता चलेगा ना कि फॉर्म में एंटर हो रहा है तो क्या क्या हो रहा है। कोई पार्टनर डेबिट हो रहा है, कोई क्रेडिट हो रहा है, कोई पैसे दे रहा है, कोई पैसे ले रहा है, वॉट एवर इट इज, जो कुछ भी हो रहा है वो सब हमें किससे पता चलेगा? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में से। थर्ड इज कैशियर बैंक अकाउंट। क्यों? क्योंकि कितने पैसे आए, कितने गए, वो सब हमें कहाँ से पता चलेगा? कैश इन बैंक अकाउंट में से। एंड फोर्थ बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बैलेंस शीट। और वो जो बैलेंस शीट होगी वो डेफिनेटली कौन सी बैलेंस शीट होगी? आफ्टर एडमिशन। वो जो बैलेंस शीट हम बनाएंगे वो कौन से बैलेंस शीट बनाएंगे? आफ्टर एडमिशन। पार्टनर एंटर हो चुका उसके बाद फर्म की बैलेंस शीट कुछ ऐसी दिख रही है, ऐसा हमें दिखाना है, राइट? ऐसा हमें प्रिपेयर करना है। सो दिस आर द थिंग्स विच यू आर सपोज टू प्रिपेयर। दिस टू थिंग्स विल बी गिवन एंड दिस फोर थिंग्स यू आर सपोज टू प्रिपेयर। अब ये प्रिपेयर करने के लिए आई विल बी गिविंग यू सर्टेन स्पेसिफाइड स्टेप्स। मैं आपको आज सारे वो जो स्टेप्स है वो लिखवाऊंगी। आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द स्टेप्स। यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट इट विथ मी। आपको मेरे साथ साथ लिख लेना है। देर मे बी अ चांस कि वन और टू स्टेप में आपको ऐसा लगे कि मैम ऐसा क्यों, या मैम ऐसे ये कैसे होगा, क्या करेंगे। डू नॉट पैनिक। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पैनिक नहीं करना है कि क्या करेंगे कैसे करेंगे, बिकॉज दिस वीडियो एंड माई नेक्स्ट वीडियो इज ऑल अबाउट दिस स्टेप्स एंड ऑल, कि वो कैसे होता है, क्या करना है। एंड देन फ्रॉम द थर्ड वीडियो वी विल बी डूइंग द सम्स। तो आपको एग्जैक्ट बेटर क्लैरिटी तो कब मिलेगी? जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में क्लैरिटी मिलेगी। पर ये स्टेप्स मैंने क्यों आपको दिए हैं, क्यों कर रहे हैं हम? जस्ट एंड जस्ट टू मेक श्योर कि आप एक प्रॉपर फॉर्मेट में चलो, एक प्रॉपर प्रोसेस में चलो। कुछ रह गया, कुछ मिस हो गया, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम होगा और हमें ये 8 मार्क्स कंप्लीटली सिक्योर करना है। तो वी नीड टू फॉलो सर्टेन स्टेप्स, राइट? नाउ लेट्स स्टार्ट विथ स्टेप्स टू बी फॉलोड। स्टेप्स टू बी फॉलोड, दिस आर द स्पेसिफिक स्टेप्स फॉर द लॉन्ग सम्स। स्टेप नंबर वन इज ट्रांसफर द कैपिटल अकाउंट्स। इफ करंट अकाउंट्स आर गिवन देन करंट अकाउंट्स बैलेंसेस गिवन in the old balance sheet in partners capital accounts। वो तो हमें पता ही है, बैलेंसेस है, कैपिटल अकाउंट के बैलेंस है, लायबिलिटी साइड पे लिखते हैं तो वो उसका ओपनिंग बैलेंस हम लिखेंगे कहाँ पे? कैपिटल अकाउंट में। क्रेडिट साइड पे इफ यू हैव वॉच द फर्स्ट चैप्टर देन यू मस्ट बी नोइंग दिस, राइट? सो वी विल बी रिकॉर्डिंग इट वेयर ऑन क्रेडिट साइड, करेक्ट? इन दिस स्टेप ओनली आई एम राइटिंग ट्रांसफर द बैलेंस ऑफ कैश इन बैंक in its account from old balance sheet on debit side, right? Why? Because it is our asset, तो definitely उसका opening balance हम कहाँ पे लिखेंगे? debit side पे लिखेंगे। then step number 2, here also there will be A, and A is for reserves and surplus. Surplus
ट्रांसफर द बैलेंस इज गिवन ऑफ एनी रिजर्व्स और सरप्लस टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन ओल्ड रेशियो. आई एम जस्ट हाईलाइटिंग द वर्ड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो on credit side. Why credit side? That we all know liability side पे होता है reserves and surplus, right? तो उसको transfer करेंगे तो कौन सी side पे transfer होगा? Definitely partner की credit side पे transfer होगा, correct? इसमें example क्या आ सकता है? For example, I can say profit and loss account, credit balance जो भी हमें दिया हुआ हो वो, general reserve if any, if given, reserve fund if any, then we can say that contingency reserve, ye sab jo hai all kind of I can say free reserves, जो कुछ भी मैंने लिखा वो सब क्या है? फ्री रिजर्व्स है कि भाई फाइन ये सारी जो रिजर्व्स है वो हमें क्या करनी है? पार्टनर को दे देनी है. वाई सो? बिकॉज ओल्ड बैलेंस शीट में जो कुछ भी बैलेंस है वो अभी हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में. एंड देन अगेन व्हेन द न्यू पार्टनर इज कमिंग इन विल बी चेंजिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस एंड अकॉर्डिंगली वी विल बी रिकॉर्डिंग ऑल द थिंग्स, राइट? सो व्हाट वी आर सपोज टू डू इज ऑल द फंड्स, ऑल द फ्री रिजर्व्स, ऑल द एक्स्ट्रा फंड दैट वी आर हैविंग वी विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग अमॉन्ग्स द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो. आई कैन राइट रादर ट्रांसफर की जगह पे यू कैन राइट डिस्ट्रीब्यूट The balance is given, right? Distribute करेंगे partners में in which ratio? Old partners, old ratio. Then part B. That B part is fictitious assets or even I can say accumulated losses. जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर आपको बोला रिजर्व्स एंड सरप्लस, जो हम कौन सी साइड पे लिखा हुआ होता है, ये लायबिलिटी साइड पे लिखा हुआ होता है. सेम वे मेरे पास बैलेंस बचा है, मेरे पास प्रॉफिट्स एक्स्ट्रा है, मेरे पास फंड्स एक्स्ट्रा है, सो सेम वे कैन आई से मेरे पास लॉसेस भी हो सकते हैं. एक्यूमुलेटेड लॉसेस कैन ऑल्सो बी देयर, नॉट नेसेसरीली कि प्रॉफिट ही हो, देयर कुड बी सम एक्यूमुलेटेड लॉसेस, कुछ एक्स्ट्रा लॉसेस भी मेरे पास हो सकते हैं. That will be on which side? Definitely on asset side. मैं आपको याद करवाऊँ तो there is deferred revenue expenditure like advertisement suspense account. वो हम कहाँ पे लिखते हैं? Balance sheet, asset side पे लिखते हैं. तो वो क्या है? मेरा expense है, one sort of ऐसा खर्चा जो मुझे 3 to 5 years तक benefit देने वाला है. So such expenses, such accumulated losses, such fictitious assets will be distributed amongst the ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, करेक्ट? जैसे हम क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दैट इज अवर लायबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वैसे ही ये नेगेटिव बैलेंसेस भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. सो इफ एनी फिक्टिशियस असेट्स और अक्यूमुलेटेड लॉसेस are given in the old balance sheet, it will be distributed amongst old partners in old ratio in their
कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड, करेक्ट? आई होप इट इज क्लियर, राइट? और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर ऐसा लग रहा है कि मैम ये कैसे होगा, क्या होगा, वो सब हम क्लियर आउट करेंगे कब? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते टाइम, राइट? सो देन इसमें मैं आपको एग्जांपल भी लिखवा ही दूँ साथ साथ में. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऊपर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है क्रेडिट बैलेंस, सेम वे आई विल बी राइटिंग डेबिट बैलेंस, करेक्ट? देन देयर इज एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, देन देयर इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, राइट? देयर कुड बी एनीथिंग, राइट? सो दिस विल बी योर स्टेप नंबर टू, जिसमें हम क्या करेंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस है या तो फिर अक्यूमुलेटेड लॉसेस है तो वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. नाउ कमिंग ऑन टू स्टेप नंबर थ्री. इट इज व्हाट? फॉलो ऑल द एडजस्टमेंट्स. फॉलो ऑल द एडजस्टमेंट. इन दैट द फर्स्ट थिंग इज गुडविल. अब है ना, गुडविल में बेसिकली करना क्या होता है, मैं एक प्रॉपर गुडविल का एक वीडियो तो आपके लिए दूंगी, मतलब द सेकेंड वीडियो आफ्टर दिस वीडियो विल बी ऑफ गुडविल ओनली, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी द प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन द पार्टनर इज एंटरिंग इनटू द पार्टनरशिप फॉर्म. पर गुडविल में बेसिकली करना क्या है, मैं आपको एक रफ आइडिया दूँ तो पार्टनर एंटर हो रहा है, करेक्ट? व्हेन द पार्टनर इज एंटरिंग इनटू द न्यू बिजनेस, द न्यू फॉर्म, न्यू फॉर हिम ऑफकोर्स, तो उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ गुडविल के तौर पे देना पड़ेगा विच इज़ नोन एज प्रीमियम फॉर गुडविल. Why so? Because the firm is there since long. Firm कितने सालों से चली आ रही है, जितने partners firm में है वो कुछ काम करके कुछ earn कर रहे हैं, they are having so much of goodwill, right? So when the new partner is entering into our firm, तो उसको तो बैठे बैठे ही पहले ही साल में profit मिल जाएगा, पहले ही साल में पूरे इतने सालों की जो हमारी मेहनत है उसमें benefit मिल जाएगा, correct? I can say so. So, what will be demand from the upcoming partner, the new partner is that you are supposed to give us the premium for goodwill. Yani ki hum jo itne saalon se kaam kar rahe hai, uska benefit jo aap lene wale ho, that is known as premium for goodwill, which the upcoming partner, the new partner will bring in, right? Usme kya hoga, kaise karenge, that will be look into in our next video. Then, second is, if any asset or liability being revalued in any adjustment, the first thing is, in case of gain, transfer the gain to credit side of revaluation account, correct? Transfer the gain, whatever gain we are earning, we will be transferring it to the credit side of revaluation account. And what? Next is what? Sirf ek hi effect aayegi kya, maine asset ko revalue kiya to? Nahi. Kya dusri effect aayegi? The revalued amount of asset or liability
विल बी रिकॉर्डेड इन वेयर, डेफिनेटली इन न्यू बैलेंस शीट। करेक्ट, ये हो गई कब की बात, गेन की बात। करेक्ट, नाउ बी पार्ट, इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस भी तो हो सकता है हम रिवैल्यू करें तो, नॉट नेसेसरीली हर टाइम गेन ही हो, राइट। सो इन केस ऑफ लॉस, ट्रांसफर द लॉस टू डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, द रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ रिस्पेक्टिव असेट एंड लायबिलिटी विल बी रिकॉर्डेड इन न्यू बैलेंस। आई होप यू आर क्लियर विद दिस पार्ट कि कुछ रिवैल्यूशन हुआ है असेट और लायबिलिटी का, तो हम क्या करेंगे, जो रिवैल्यूशन से गेन और लॉस हो रहा है उसको रिवैल्यूशन अकाउंट में डालेंगे और उसकी जो न्यू वैल्यू आई है उसको डेफिनेटली बैलेंस शीट में तो लिखना ही पड़ेगा एज इट इज़ अवर असेट और लायबिलिटी। करेक्ट, फाइन। स्टेप थ्री वी आर डन विथ, स्टेप फोर। नाउ नेक्स्ट स्टेप विल बी ऑल द रिमेनिंग वॉट एवर अनटच्ड, आई कैन से ऑल द रिमेनिंग असेट्स और लायबिलिटीज, रादर आई कैन से ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटीज विच वी हैव नॉट टच्ड येट, अभी तक हमने कुछ उसका एडजस्टमेंट देखा ही नहीं है, जो ओल्ड बैलेंस शीट में ऑलरेडी पड़े हुए है। करेक्ट, असेट्स एंड लायबिलिटीज विल बी ट्रांसफर्ड टू न्यू बैलेंस शीट फ्रॉम, and then step number 5, the closing step, I can say. ये सब हो गया, सारे adjustments देख लिए, specific adjustment देख लिए, कुछ नहीं था तो untouched items का क्या करना है वो देख लिया, उसके बाद the step number 5, that is our closing step, right? उसमें सबसे पहले क्या close करना है वो हम देखें। A part will be close the revaluation account and transfer the result, whatever the result is, right? It could be either profit or loss, whatever it is. Transfer the results of the same to partners capital account. Correct, then whatever the result is, right, that we are supposed to transfer to partners capital account, then close the partners capital accounts and transfer the balance to new balance sheet. Correct, then C, close the cash or bank account bhi to tha, bank account and transfer the balance to
न्यू बैलेंस एंड लास्टली क्लोज द बैलेंस शीट। सिंपल, हमने क्या कर लिया, बैलेंस शीट नहीं, बैलेंस शीट क्लोज कर ली। हियर एट स्टेप नंबर 5 पॉइंट नंबर डी योर सम विल गेट ओवर, सो इट विल टेक सम टाइम, राइट। सी, ये चैप्टर के लिए मैं आपको एक एडवाइस ऐसी करूंगी कि आप इसके सारे सम्स की प्रैक्टिस रूटीन में रखना। सी, राइट नाउ वी आर बिगिनिंग द चैप्टर, यू आर गोइंग टू डू इट वेल। आप लोग, मैं जितना होमवर्क दूंगी उतना भी करने ही वाले हो, मुझे पता है। पर जब भी हम ये चैप्टर एंड करके दूसरे चैप्टर की ओर जाएंगे, एंड वेन देर विल बी दिवाली, तो दिवाली तक में तो ये पूरा वाइप्ड आउट हो चुका होगा, अनलेस अदरवाइज यू आर डूइंग अ प्रॉपर प्रैक्टिस। सो प्लीज ट्राई एंड फोकस ऑन प्रैक्टिसिंग दिस चैप्टर, जितनी बढ़िया प्रैक्टिस उतना अच्छा रिजल्ट। आप, मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि ये चैप्टर कितने टाइम में फिनिश करना है, कितने टाइम में हमारे ये चैप्टर का सम फिनिश हो जाना चाहिए एग्जाम में। सो अकॉर्डिंगली हमें प्रैक्टिस करनी है कि हम उतने टाइम में अपना ये 8 मार्क्स का सम जो है वो फिनिश कर पाए, राइट। सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू कैलकुलेट द सम्स विच आर लॉन्ग। मैं एक बार वापस से थोड़ा रिवाइज करवा देती हूँ। गिवन क्या है, बैलेंस शीट बिफोर एडमिशन एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन। देन रिक्वायर्ड क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट बनाना है, दिया हुआ है तो, अदरवाइज कैपिटल अकाउंट तो बनाना ही है, कैश एंड बैंक अकाउंट बनाना है, एंड न्यू बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन बनानी है। स्टेप टू बी फॉलोड में सबसे पहला स्टेप अपना क्या है, ट्रांसफर द कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के जो बैलेंसेस ओल्ड बैलेंस शीट में दिए हुए हैं वो सारे ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में। कैश एंड बैंक बैलेंस जो दिया हुआ है ओल्ड बैलेंस शीट में, दैट विल बी ट्रांसफर टू कैश एंड बैंक अकाउंट। देन स्टेप नंबर 2, रिजर्व्स एंड सरप्लस जो अपने पास है ओल्ड बैलेंस शीट में, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स द ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड फिक्टिशियस असेट, दैट विल बी ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, करेक्ट। वो हम रिजर्व्स एंड सरप्लस लायबिलिटी है तो उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिक्टिशियस असेट्स है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस है तो उसको डेबिट साइड पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देन स्टेप नंबर 3, फॉलो ऑल द एडजस्टमेंट्स, जिसमें सबसे पहला है गुडविल, दैट विल सी इन आर नेक्स्ट वीडियो। देन इफ एनी असेट और लायबिलिटी रिवैल्यूड, देन देर आर टू चांसेज, आइदर देर विल बी गेन और देर विल बी लॉस। इफ देर इज अ गेन, गेन है तो उसको क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखना है और रिवैल्यूड अमाउंट को बैलेंस शीट में लिखना है। इफ देर इज अ लॉस, उसको डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखना है एंड न्यू वैल्यू को नई बैलेंस शीट में लिखना है। देन स्टेप नंबर 4, ऑल द अनटच्ड आइटम्स, ऑल द रिमेनिंग आइटम्स विल बी रिकॉर्डेड इन आवर न्यू बैलेंस शीट, जो बाकी रह गया है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में उसको न्यू बैलेंस शीट में लिख दो। स्टेप नंबर 5, क्लोज एवरीथिंग, सबसे पहले क्लोज द रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैलेंस जो आए, जो भी रिजल्ट आए उसको ट्रांसफर करो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। देन वॉट एवर आई मीन जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बच रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को भी क्लोज कर दो और उसका जो बैलेंस आया उसको न्यू बैलेंस शीट में ट्रांसफर करो। कैश इन बैंक का जो अकाउंट है उसको क्लोज करो, उसको न्यू बैलेंस शीट में ट्रांसफर करो एंड देन क्लोज द बैलेंस शीट एंड गेट द 8 मार्क्स, करेक्ट। सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू द लॉन्ग सम्स। आई होप यू आर क्लियर विद द स्टेप्स टू बी फॉलोड। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू राइट डाउन ऑल द स्टेप्स इन अ प्रॉपर वे इन योर नोटबुक्स। आप इसको पॉज करके प्रॉपरली शांति से लिख सकते, राइट। थैंक यू।